कर्नाटक में सत्ता की दहलीज को लांघने के लिए बीजेपी ने जो साम दाम दंड भेद अपनाया, उससे न सिर्फ विरोधी नाराज हैं, बल्कि बीजेपी के बागी भी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। अक्सर बीजेपी पर हमला बोलने वाले पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कर्नाटक में येदुरप्पा के शपथ लेने पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस प्रकरण को 2019 में भी दोहराएगी। यशवंत सिन्हा जब बीजेपी में थे तब भी वो पार्टी की गलत नीतियों को लेकर बरसते थे। अब वो पार्टी से अलग हो गए हैं और अब तो उनके हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। कर्नाटक में सत्ता की रेस जीतने के लिए बीजेपी ने जो खेल खेला, उसे लेकर यशवंत सिन्हा ने पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी प्रकरण को दोहराएगी। उन्होंने ट्वीट किया है कि आज कर्नाटक में जो हो रहा है वो एक अभ्यास है और इसे 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में दोहराया जाएगा। इस ट्वीट में सिन्हा का इशारा साफ है कि 2019 में पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर जाएगी, जैसे अभी कर्नाटक में किया जा रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं, यानी वो बहुमत के आंकड़े से 8 कदम दूर है, लेकिन फिर भी गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। वहीं जेडीएस और कांग्रेस के पास 112 सीटों से ज्यादा होने के बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया गया, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।